हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। वेलकम टू द सेशन ऑफ हिंदी करंट अफेयर्स। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है? ठीक है, और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बोट नामक एक स्व स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है ताकि ये पता लग सके कि व्यक्ति प्लाज्मा दान करने के लिए पात्र है या नहीं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं जिनका उपयोग COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। देश में गलत या फेक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए फेसबुक ने बांग्लादेश में अपना थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसके लिए फेसबुक ने बूम फैक्ट चेक के साथ भागीदारी की है, जो अप्रैल 19, 2020 से शुरू होने वाले वीडियो और तस्वीरों सहित स्टोरी की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान के साथ इनका कोलैबोरेशन है। राजस्थान की राज्य सरकार ने स्टार्टअप मेडकॉर्डर्स द्वारा हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य राजस्थान के निवासियों को COVID-19 महामारी से निपटने के प्रयास के रूप में 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण प्रदान करना है। एकीकृत आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से मेडकॉर्डर्स राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। COVID-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और क्वेश्चन 4 का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अगेन राजस्थान। राजस्थान यहां पे आपका सही उत्तर है। राजस्थान 17 अप्रैल 2020 को COVID-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तोपखाना देश, जिसे जाजू डिस्पेंसरी के नाम से भी जाना जाता है, उसके शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। COVID-19 संबंधित जानकारी के लिए किस संस्थान ने COVID-FYI वेबसाइट को वन स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, IIM कोझिकोड। तो इस संस्थान ने इसको वन स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया है। IIM कोझिकोड ने शून्य वित्त पोषण के साथ COVID-FYI वेबसाइट विकसित की है। ये सभी COVID-19 संबंधित सेवाओं के लिए एक स्टॉप ऑनलाइन स्रोत है। एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, अनुसूचित नमूना संग्रह और आपातकालीन हेल्पलाइन की खोज जैसी विशेषताएं मंच के अधीन हैं, जो सामाजिक दूरी और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया है। जीन डिच ने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी हर किसी ने देखा है। तो इसका जो निर्देशन किसने किया था, उन्होंने किया था जीन डिच ने। जीन डिच ने प्रसिद्ध एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला टॉम एंड जेरी का निर्देशन किया था। वो ऑस्कर विजेता एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, निर्देशक और निर्माता थे और वो अमेरिका के रहने वाले थे। उनकी एनिमेटेड लघु फिल्म मुनरो ने 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। जीन डिच ने पोपाय द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र द्वारा गठित COVID-19 के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि विनोद पॉल
और के विजय राघवन, इन दोनों को प्रमुख बनाया गया है। 19 अप्रैल 2020 को बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व विनोद पॉल कर रहे हैं, जो नीति आयोग और के विजय राघवन के सदस्य हैं, जो विज्ञान और वैक्सीन विकास के क्षेत्र में COVID-19 संबंधित कार्यों के लिए भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्था ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट विकसित की है? तो क्वेश्चन 8 का सही उत्तर है डी ऑप्शन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये इसका सही उत्तर है। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ट डिजाइनर डिस्पेंसिंग यूनिट को विकसित किया गया है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली ने संपर्क रहित मशीन विकसित की है, जो कार्यालय परिसरों, इमारतों आदि में प्रवेश करते समय उपयोग के लिए हाथों की सफाई के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर घोल का छिड़काव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस रक्षा प्रतिष्ठान ने एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि भारतीय नौसेना, ये इसका सही उत्तर है। तो कोची में भारतीय नौसेना के नौसेना विमान यार्ड ने एक एक स्मार्ट एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन AEP कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पूरी तरह से सील मरीज स्थानांतरित कैप्सूल में पोत और द्वीप से सुरक्षित ले जाने में टीम की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में COVID-19 जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम करने वाला दूसरा संगठन कौन सा है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये उसका सही उत्तर है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा संचालित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसे हम GBRC कहते हैं, उसने कोरोना वायरस के पूर्ण जीनोम अनुक्रम को सफलतापूर्वक डिकोड किया है और वायरस के 3 उत्परिवर्तन पाए हैं। ये खोज वायरल संक्रमण के लिए वैक्सीन बनाने और महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगी। पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरस के पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड करने वाला पहला संस्थान था। तो यहाँ पे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले दिन फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।